है एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसकी हेल्प से अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ें और साथ ही साथ लंबे, घने और शाइनी हो जाएं, तो इस DIY रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बोल लेना है जिसमें आपको ऐड करना है शैम्पू। जो भी आप अपने बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू यूज़ करते हैं, आपको वो इसमें ऐड करना है। जो भी आप डेली यूवेज में अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं वो लेना है। मैं यहाँ पर एक पैकेट क्लिनिक प्लस शैम्पू ले रही हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। ये रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपको कुछ नहीं करना है, बट जब भी आप बाल धोएं तो इस रेमेडी को उसके साथ यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है शुगर, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिए। शुगर पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है, चीनी को पीस कर भी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पर ये ब्राउन शुगर ली हुई है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हनी। हनी आपके बालों में शाइन लेकर आएगा, आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। चीनी भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, आपके बालों को शाइनी बनाएगी, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे, घने, और सबसे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कोल्ड मिल्क, यानी ठंडा जो दूध होता है, बॉयल भी ले सकते हैं पर वो ठंडा होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा झाग बनना ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हमने शैम्पू लिया है तो झाग तो हो गई, तो आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और जब भी आपको बाल धोने हैं तब आपको शैम्पू के साथ साथ इस मिक्सचर को यूज़ करना है। जैसे आप शैम्पू यूज़ करते हैं उस शैम्पू को यूज़ ना करते हुए, शैम्पू तो हमने इस मिक्सचर में ऐड किया ही है, तो आपको इस मिक्सचर को अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट तक रख ऐसे ही अपने बालों में छोड़ देना है, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लेना है। इसके पहले यूज़ से आपको इतने ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप इस DIY हेयर केयर रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय।